जमात का पांचवी कक्षा का हिंदी विषय, दूसरी इकाई पांचवा पाठ जुड़े हम। गौर से समझिए, पाई हटाकर जुड़े हम। अब पाई हटाकर यानी क्या, तो हमें सबसे पहले पाई यानी क्या ये समझना चाहिए। तो हिंदी में मैं आसान आपको बताता हूं कि पाई का मतलब आप लकीर लो, पाई हटाकर यानी ये जो लकीर आती है ना, जैसा दो बना है, ये देखो ये पो बना है, तो ये पो की जो ये लकीर है, इसी तरह से ये जो पो बना है, ये पो की जो लकीर है, ये मो जो बना, मो की जो ये लकीर है, इसे पाई कहते हैं। पाई दो तरह की आती है, ये पाई आखिर में आ रही है, और अगर अपने को लिए फो लिए तो पाई बीच में आती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पाई का मतलब समझ में आ गया होगा। तो पाई हटाकर जुड़े हम। अभी देखो गो, गो की जो पाई थी, जो लकीर थी, वो निकाल दिया। अब गो और वो, ये दोनों जुड़ गया, ये संयुक्त अक्षर होगा, तो ग्वाला। इसी तरह पुष्प, ये षटकोण का शो है, इसके पाई निकाला मैंने, पुष्प। गुच्छ, चो की पाई निकाला, छो लगाया, गुच्छ। तो इसी तरह से पहले से युक्त अक्षर जो है उसमें पाई को निकाल कर वो आधा बनाए हमने, जब वो आधा शब्द वो आधा व्यंजन वो और एक पूरा, इस तरह से वो एक जोड़ व्यंजन बना या संयुक्त अक्षर बना। चप्पल, पत्थर। अब दूसरा देखो, हल लगाकर जुड़े हम। अब हल आपको समझना चाहिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें जो है पाई नहीं होता है, जैसे तो डो हो लो दो, जो गोलाई वाले अल्फाज है उसमें पाई आई नहीं, जाहिर सी बात है। तो इसको क्या करते हैं हम, इनको आधा करते हैं। जैसा, उसको आधा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके नीचे एक लकीर बनाना पड़ती है, एक आधी लकीर। जैसे मैंने ये क लिखा, ये क के नीचे हल लगाया, हलंत भी कहते हैं इसको, और हमारे बच्चे क्या गलती करते, इसको उकार पड़ते, ये आधा को भी जगह को पढ़ ले, तो ऐसा नहीं, ये लकीर है, ये इसे हल कहते हैं। तो हल लगाकर हम आधे अल्फाज बनाते हैं। जैसे देखो लड्डू, अब लड्डू के ये डो के नीचे हलंत लगा है, तो आधा डो ये डू, लड्डू। द्वार, दो के नीचे हल लगाया, इधर टो के नीचे हल लगाया, खट्टा, बाह्य, द्वार वगैरह वगैरह। अब यहां पर देखिए, आधे होकर जुड़े हम, कुछ शब्द ऐसे जो आधे होते हैं उनके नीचे ना अनंत लगाते हैं ना पाई उनकी होती है, जैसा मक्खी। अब ये क जो है गो फो, अब इसमें पाई कहां पर आ रही है, दरमियान में आ रही है, अब पाई तो हटेगी नहीं, इसलिए इसे हम अगर आधा लिखना है तो इसे हम ये आधा को इस तरह से बनाते हैं, या आधा को इस तरह से बनाते हैं। मक्खी, सिक्का, रफ्तार, शगुफ्ता वगैरह। अब ये जो तीसरा है, आखिरी जो है, विभिन्न, विभिन्नता से जुड़े हम, यानी अलग अलग स्टाइल में, खास करके रो, रो को पाई नहीं है। अब रो आधा, हम रो इस तरह से तो नहीं लिख सकते, ऐसा या आधा रो ऐसे नहीं लिख सकते, तो इसके लिए क्या है, रो जो है मुख्तलिफ तरीके से। पहला रो जो है ये देखिए, ये इस तरह से आएगा, उसके बाद दूसरा रो जो है वो नीचे आएगा, ये इस तरह से, और उसके बाद एक प्रकार ये भी है। तो आप अगर गौर करेंगे ना, यहां पर जो अल्फाज लिखे हुए हैं इसमें तमाम प्रकार रो के आ जाते हैं, जैसे दर्जी, दर्जी ये वाला रो आ गया, गंधर्व समझ में आया आपके, इंद्रधनुष, इधर को ये रो इधर नीचे आ गया, इंद्रधनुष। चंद्रमा, ये वाला रो आ गया, मेट्रो,
जैसे उर्दू में आठ लिखते हैं ना वैसे टो के नीचे लगा देने, मेट्रो महाराष्ट्र, तो वगैरह वगैरह इस तरह से। तो उम्मीद करता हूं आप इसे गौर से सुने समझे तो आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह।